हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अकबर शेख। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की, उसके प्रकारों की और उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद साथ ही हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की और उसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस या पॉली आर्थराइटिस यानी क्या? इसे पॉली आर्थ्राल्जिया भी कहते हैं, यानी अनेक जॉइंट्स में दर्द होना, जब शरीर के जॉइंट्स में से चार या पांच से ज्यादा जॉइंट्स में दर्द हो और सूजन हो, इस स्थिति को पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। अब देखते हैं इसके लक्षण। पॉलीआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण करीब करीब समान होते हैं। इसे डेवलप होने में 5 से 6 महीने लगते हैं या कभी कभी अचानक भी हो सकता है। मुख्य रूप से इसमें दिखने वाले लक्षण हैं जॉइंट्स में दर्द होना, स्टिफनेस, जॉइंट्स में सूजन होकर लाल होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, पसीना आना और कभी कभी मरीज को बुखार भी आता है। अब देखते हैं इसके कारण। अनुवंशिक भी हो सकते हैं। कभी कभी इंसान के शरीर में कुछ इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी कमजोर होने पर इसका अटैक होता है। स्मोकिंग करने वाले, अल्कोहल लेने वाले, ज्यादा कैफीन का सेवन करने वाले लोगों को होने की संभावना ये ज्यादा होती है। यह बीमारी पुरुषों से अधिक महिलाओं में होती है। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट। इसमें सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, यूरिक एसिड और आरए करना चाहिए। यह सेरो पॉजिटिव या सेरो नेगेटिव होता है। सेरो पॉजिटिव यानी मरीज के खून में ऐसी एंटीबॉडीज पाई जाना जिससे पॉलीआर्थराइटिस या आर्थराइटिस बीमारी डेवलप होती है, यानी ब्लड सीरम में वायरस या बैक्टीरिया मौजूद होना। सेरो नेगेटिव यानी मरीज के खून में ऐसी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज पाया न जाना जिससे पॉलीआर्थराइटिस या आर्थराइटिस यह बीमारी डेवलप होती है, यानी ब्लड सीरम करने से वायरस या बैक्टीरिया खून में न मिलना। लेकिन कभी कभी मम्स और रूबेला वायरस शरीर में एक्टिव होने से शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं और पॉलीआर्थराइटिस या आर्थराइटिस डेवलप होने लगती है। अब देखते हैं रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट। रेडियोलॉजिकल में एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके प्रकार। जुवेनाइल आर्थराइटिस जो टीन एज में होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस नामक स्किन चर्म रोग जो होता है उससे इंसान के जॉइंट्स में सूजन, स्किन में रैशेस, किडनी और सेरेब्रल नर्वस सिस्टम को यह इम्पैक्ट करता है। अब देखते हैं गाउट। गाउट यह एक आर्थराइटिस का ही प्रकार है जिसमें कोई भी जॉइंट्स में सूजन आकर लाल हो जाता है। यह यूरिक एसिड खून में बढ़ने की वजह से होता है। इसमें भी जॉइंट्स में दर्द होना, स्टिफनेस और सूजन होना यह लक्षण होते हैं। इसकी शुरुआत अचानक होती है और शुरुआती दौर में दर्द काफी महसूस होता है। अब देखते हैं इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन। जॉइंट्स पर जहां सूजन है वहां बढ़कर वो कुटानियस जख्म हो जाता है। एक्सट्रीमिटीज में गैंग्रीन हो सकता है। शरीर के वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, पैंक्रियाज और हार्ट पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। साथ ही एक्सिलरी और आर्टरीज के सर्कुलेशन में कमजोरी आ जाती है और मायोपैथी और एनसेफेलोपैथी जैसे कॉम्प्लिकेशन भी कभी कभी बढ़ जाते हैं मरीज में। अब देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट। इसमें कैंसरोसो 11 ही देना चाहिए जिसे बनाने में L1 है, जो खून में कोई इन्फेक्शन है तो उसे दूर करेगी ये रेमेडी। दूसरे नंबर पे है कैंसरोसो 5, यह इन्फेक्शन को दूर करके सूजन और दर्द खत्म करेगी। और तीसरे नंबर पे है स्क्रोफोलोसो 5, ये जो रेमेडी है ये यूरिक एसिड और बाइल फ्लो को नॉर्मल करेगी। और चौथे नंबर पे है एंजियोटिको 2 जो वेंस और आर्टरीज के सर्कुलेशन को नॉर्मल करेगी और दर्द में राहत देगी। अब देखते हैं इसके डोसेस। इसे अक्सर फर्स्ट डाइल्यूशन में देना चाहिए
एक्यूट अटैक है तो इसे फ्रिक्वेंटली देना चाहिए और दर्द और सूजन कम होने पर डोसेज टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। इसे लगातार 1 से 2 महीने देना चाहिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में WEF, YE और RE को अल्टरनेट करके लगाना चाहिए और जो है C5 का कॉम्प्रेस भी दे सकते हैं। यह था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट आर्थराइटिस के लिए। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।